आजकल हर दूसरा शख्स नौकरी की जगह व्यापार करना चाहता है। यूं समझ लीजिए कि मार्केट में व्यापार की होड़ सी मची हुई है, जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। इसलिए व्यापार वहीं शुरू करना चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड हो और मंदी या किसी वायरस के आने पर उसका फर्क ना पड़े। इसलिए आज के समय को देखते हुए जेंट्स गारमेंट की शॉप खोलना बेस्ट ऑप्शन है। क्यों खोलनी चाहिए ये शॉप? देखिए, अब कोरोना आए या कुछ और, लोग किसी भी हालत में काम पर जाना नहीं छोड़ सकते। अगर लोग काम पर जाएंगे तो कपड़े पहनेंगे ही, इसलिए किसी भी हालात में ये एक सेफ व्यापार है जो हर कीमत में आपको फायदा पहुंचाएगा। जेंट्स गारमेंट शॉप का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें रहकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की उम्मीद की जा सकती है। जेंट्स गारमेंट शॉप खोलने की जगह। गारमेंट शॉप एक ऐसी जगह खोली जानी चाहिए जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। अगर आप दुकान के लिए रेजिडेंशियल या ऑफिस एरिया के आसपास की जगह चुनते हैं तो इसके चलने की उम्मीद बढ़ जाती है। शॉप खोलने के लिए किन किन चीजों का रखें ध्यान? जेंट्स शॉप खोलने के लिए सबसे पहले आपको एक दुकान चाहिए, इसके बाद उसमें रखने के लिए फर्नीचर, फर्नीचर के बाद आपको कपड़ों का स्टॉक जमा करना होगा। दुकान के लिए चाहिए होंगे कितने वर्कर्स? अगर आप व्यापार करने जा रहे हैं तो शॉप चलाने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता भी होगी। एक कर्मचारी आपको ऑफिस की साफ सफाई करने के लिए चाहिए, इसके बाद आप दो लोग कस्टमर हैंडल करने के लिए रख सकते हैं। शुरुआत के दिनों में शॉप के लिए तीन लोग काफी हैं, बाकी जैसे व्यापार बढ़ता जाए आप अपनी सहूलियत से कर्मचारियों की संख्या बढ़ा सकते हैं। कैसे करें सही कर्मचारियों की नियुक्ति? देखिए, कई बार लोग शॉप के लिए बंदे रखते समय उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। ऑफिस से लेकर सेल्समैन तक चुनते समय आपको उनकी चंद क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। बंदा समय की वैल्यू समझता हो, कपड़े बेचने का अनुभव हो, कस्टमर हैंडल करने का तरीका आता हो जो हर कीमत पर ग्राहकों को मुस्कुरा कर हैंडल करे, काम के प्रति लगन झलकती हो, दुकान को अपना समझ कर काम करे, जो जरूरत पड़ने पर शॉप को एक्स्ट्रा टाइम दे पाए। कैसे करे मार्केटिंग? एक बात तो गांठ मार लीजिए, कोई भी व्यापार बिना मार्केटिंग के नहीं चलाया जा सकता। अगर आप व्यापार करने निकले हैं तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अगर मार्केटिंग ठीक नहीं हुई तो आप अपने बिजनेस का विस्तार करने में असफल रहेंगे, क्योंकि व्यापार का पहला और बड़ा रूल यही है कि जो दिखता है वही बिकता है। कितने प्रकार से की जा सकती है मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मीडिया, स्पेशल ऑफर, यूज ब्रांड, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ब्रांड। ध्यान रहे कि गारमेंट शॉप में आप ऐसे ब्रांड को प्रमोट करते हैं जो आसानी से आपके शहर या कस्बे में उपलब्ध नहीं होता है, तो आपकी दुकान तेजी से चलने लगेगी। कितनी आएगी लागत? देखिए, गारमेंट शॉप में पैसे की कोई लिमिट नहीं, आप जितना चाहे पैसा लगा सकते हैं। हालांकि अगर छोटा मोटा हिसाब देखा जाए तो आपको बिजनेस शुरू करने के लिए लगभग 5 लाख रुपए की जरूरत होगी। इसके ऊपर आप जितना चाहे लगाएं। ये कीमत रिटेल व्यापारियों के लिए है, होलसेल व्यापार के लिए इससे दुगनी रकम मान लीजिए। दुकान के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस चाहिए होंगे? ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी नंबर, एनओसी। लाइसेंस के लिए जरूरी कागजात, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट, पैन कार्ड। कैसे सेट करें टारगेट ऑडियंस? ऐसा नहीं है कि गारमेंट शॉप में हर तरह के कपड़े रख सकते हैं, आपको अपनी ऑडियंस सेट करनी होगी। जिस इलाके में आपकी शॉप है उस हिसाब से आप अपनी ऑडियंस सेट करें। होलसेल व्यापारी या रिटेल विक्रेता? जानकारों के अनुसार आपको होलसेल व्यापार करने के लिए हर चीज ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है, फिर चाहे वो जगह हो या पैसा। अगर आपके होलसेल व्यापार के लिए अधिक पैसा और जगह नहीं है तो निश्चित ही इस व्यापार में नहीं आ सकते। वही रिटेल व्यापार की शुरुआत छोटे तरीके से की जा सकती है, इसमें अगर आप नहीं भी टिक पाते तो ज्यादा नुकसान नहीं सहना होगा। कितना होगा लाभ? गारमेंट्स के व्यापार में लाभ आपकी सेल्स पर निर्भर करता है। जिस हिसाब से आपकी सेल्स होगी उतना मुनाफा होगा। सेल्स इस बात पर निर्भर करती है कि आप व्यापार की मार्केटिंग करने में कितने सफल होते हैं। नए व्यापार के लिए ऑल द बेस्ट, व्यापार शुरू करें और कामयाब बने। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।